राम राम, समय हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एपी के न्यू सॉन्ग ओल्ड मनी पे, और जिसमें स्टारिंग है सलमान खान, संजय दत्त। तो सबसे पहले हमें सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट वो मिल गए और कमर पक्की है। कहाँ जा रहे हो भाई? आधे घंटे में आ गए बस। देख लेना पिछली बार की तरह मुझे वहां आना। ठीक है। ओल्ड मनी शहरिया तो दस हूं कितने घटनी मन टाइना च खरीदी बैठे रैन च जटनी शहरिया तो दस हूं कितने घटनी मन टाइना च खरीदी बैठे रैन च जटनी पैसे दिया खेडा सब जानता है शिंदा माड़ी डील वाले असी कदे नहीं तकिया ओदे दिया गोरी साडा हाल पुछदी ओ जिते जटा दे किले दा रेट पता लग्गिया ओदे दिया गोरी साडा हाल पुछदी ओ जिते जटा दे किले दा रेट पता लग्गिया ओदे दिया गोरी साडा हाल पुछदी ओ जिते जटा दे किले दा रेट पता लग्गिया ओदे दिया गोरी साडा हाल पुछदी ओ जिते जटा दे किले दा रेट पता लग्गिया भाई कौन दुनिया ले बाबा वो अपने ले संजू संजू और तेरे ले दत्त साहब मेरी जिंदगी जाए अपनी मर्जी नाल लेकिन जाएगा मेरी मर्जी नाल भाई दत्त साहब एपी अब तक तो सबके टीवी पे था अब आरआईपी आरएसवीपी भाई जान जी तस्सा अदा शिंदा सिंदा है बच गया साला
गलती होगी दत्त साहब, गलती होगी। गल सुन, रब ने तेनू हुनर दिता है, गोली नाल नहीं अपने कम नाल मार, समझा? आज रात को मिलते हैं। नाइस। सो गाइस, ये था सॉन्ग। और लिटरली मतलब जब से इसके जो पोस्टर आए थे या सबसे पहला जो एक छोटा सा टीजर आया था, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ था कि ये क्या आने वाला है, जिसके अंदर आपको संजय दत्त भी देखने को मिलेंगे, सलमान खान और एपी। तो लिटरली मतलब काफी कमाल का था। वैसे हम सबको पता है कि सलमान खान बहुत कमाल का एक्शन करते हैं, लेकिन एपी इतना कमाल का एक्शन कर रहे हैं सीरियसली इस पूरे वीडियो के अंदर, वो काफी मुझे मतलब इम्प्रेसिव लगा। और सीरियसली सलमान खान, सलमान भाईजान, लिटरली उनका जो ऑरा है वो लिटरली बहुत ज्यादा कमाल का है, और उनको किसी भी वीडियो में देखने में बड़ा मजा आता है। और इस गाने में भी मैंने उनको काफी इंजॉय किया, उनके एक्शन सीन को काफी इंजॉय किया। और फिर जब एंड में दत्त साहब और मतलब सलमान भाई की आपस में बातचीत होती है, वो भी सीन काफी कमाल का था। और लिरिकली भी ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा था, म्यूजिक इसका कमाल का था, ओवरऑल ये गाना मैंने काफी इंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया गया, नो टू वायलेंस, वायलेंस कभी करनी ही नहीं चाहिए। और जिस तरह से ये मैसेज दिया गया कि आप अपने काम से पहचान बनाओ, ना कि गोली से या फिर इस तरह की लड़ाई झगड़े से, मुझे सबसे अच्छी वो चीज लगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको यही चीज समझ में आनी चाहिए। और जिस तरह से लिखा गया गाना, जो लिरिक्स थी, स्पेशली मुझे एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी एपी की। मैंने बीच में भी बोला था कि एक्टिंग तो कर ही रहे हैं और एक्शन भी करते हुए दिख रहे हैं, ये सबसे कमाल का लग रहा था। ऐसे लग रहा है कि हाँ वो भी अभी हीरो हीरो बन सकते हैं, मूवी वूवी में आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से गाना लिखा है, जो लिरिक्स थी और जिस तरह जो स्वैग सलमान खान का देखने को मिला, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एपी, सलमान और संजय दत्त ये तीनों एक साथ एक ही वीडियो के अंदर आएंगे। तो लिटरली मतलब हैट्स ऑफ, जिस तरीके से पूरा इन्होंने दिमाग लगा कि पूरा एक वीडियो बनाए, छोटी मूवी कह सकते हो आप, क्लाइमेक्स सीन आप बोल सकते हो कि हाँ क्लाइमेक्स में क्या होगा मूवी में, तो वो पूरा हमें एक ही बार में दिखा दिया गया। लेकिन सच में काफी एंजॉय किया, म्यूजिकली काफी अच्छा था और वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल। सो गाइस, हमने तो ये गाना काफी एंजॉय किया, आपको गाना कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल के लिए बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।